आज के इस ब्लॉग में मैं एक स्पेशल पर्सन से आपको मिलवाने वाली हूँ और शादी के बाद मैं उससे पहली बार मिल रही हूँ, तो मैं उसका रिएक्शन देखना चाहती हूँ। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है जिंदगी में एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज एक छोटी सी जर्नी रहने वाली है, वो जर्नी बहुत खूबसूरत रहेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज के इस ब्लॉग में मैं एक स्पेशल पर्सन से आपको मिलवाने वाली हूँ और ये वो स्पेशल पर्सन है जिसकी वजह से यूं कह लीजिए कि मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था। तो उस स्पेशल पर्सन से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ और खासतौर पर अच्छी बात यह है कि मैं शादी के बाद उससे मिल रही हूँ, तो आप जरूर देखिएगा कि वो स्पेशल पर्सन कौन है। अभी मैं बता दूं कि मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ। आई होप मैं उसके पास पहुंच जाऊंगी 5:15 तक, फिर मैं आपसे मिलवाऊंगी उस स्पेशल पर्सन को। तो आइए चलते हैं। हेलो वंस अगेन। तो जिससे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, मैं उसकी सोसाइटी में आ चुकी हूँ और अभी हुए 5:30, मुझे पहुंचना चाहिए था 5:15 पर। खैर लेट हो गया 15 मिनट, बट इट्स ओके, चलता है। और शादी के बाद मैं उससे पहली बार मिल रही हूँ, तो मैं उसका रिएक्शन देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि कितना एक्साइटमेंट है अभी भी मिलने का। अब्बास, तो मैं पहला रिएक्शन आपको दिखाऊंगी। अभी बस पहुँचने वाले हैं, अब बने रहिए हमारे साथ। और इसके फ्लैट का नंबर है 908 एंड आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे उसका रिएक्शन देखने के लिए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। 908 तो ये था वो स्पेशल पर्सन जिसके लिए मैंने इतनी हाइप क्रिएट की थी। पैसा बर्बाद। The most important person. Hi to Masi. Hi Masi. ये था वो special person. ये था वो special person. Hi Jeevu. Hi Masi. Jeevu, I have something for you. अच्छा, ये ले लिया फटाफट, बात नहीं करनी लेकिन मासी से, बात नहीं करनी। Thank you Masi. बोलो thank you. तो जिस स्पेशल पर्सन से मैंने आपको मिलवाना था उससे मैंने मिलवा दिया है। अभी उससे थोड़ी बातें भी करेंगे। नेहा का ये थोड़ा नेचर है कि कोई भी उसके घर में आता है, कोई भी हो, मैं तो चलो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड हुई, तो वो खातिरदारी में लग जाती है। और अभी देखो खाना बना रही है, चाय बना रही है और उसकी बेटी जीवू कर रही है इंजॉय। जीवू से हाय। अभी जीवू थोड़ा धीरे धीरे जेलअप होती है और जब वो मुझसे दोस्ती कर लेगी ना, फिर मैं आपसे मिलूंगी। हाय जीवू। हाय से हाय। हाउ आर यू? यू नो हु आई एम? आई डू। समथिंग मस्ट हैव हैपेंड। योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। जीवू आप ये क्या देख रहे हो? हाय एवरीवन। तो अभी तक तो सारा प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है। तो मैं ऐसी बातें मारती रहूंगी, पहले मैं उससे मिलवा तो दूं। तो हाय एवरीवन, बहुत बहुत लंबे अरसे बाद, बहुत इंतजार के बाद फाइनली आज कीर्ति मुझे मिली है। और मेरा प्लान खैर बाहर का था कि हम मूवी जाएं, मूवी देखकर आएं, जो कि हमने एक बार पहले भी बनाया था, पर मैडम बहुत ज्यादा बिजी हैं और इतनी बिजी हैं कि वो टाइम नहीं निकाल पाती, बट स्टिल अपने बिजी शेड्यूल में से उसने टाइम निकाला है। आज मैं घर आई है और अपने पतिदेव को नहीं लेकर आई है, शायद उसको लगा कि मैं थोड़ी सेवा में कमी रखूंगी, बट हर्ष आपको नेक्स्ट टाइम आना है, मैं अभी आपको वीडियो में इन्वाइट कर दे रही हूँ। और दूसरी चीज ये कि मैंने जब वीडियो की स्टार्टिंग की थी, मैंने ये बोला था कि मैं ऐसे पर्सन से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था। उस टर्निंग पॉइंट के बारे में ये स्पेशल पर्सन खुद बताए तो बेटर होगा। पहले तो ये बार बार जो स्पेशल पर्सन बोले ना, वो सुन के मुझे वाकई में स्पेशल फील हो रहा है। इतना तो शायद पहले कभी इसने बोला नहीं मुझे इतना स्पेशल जितना आज मुझे फील हो रहा है। अभी शिकायतों का सिलसिला शुरू हो चुका है गाइस।
तो टर्निंग पॉइंट नहीं कहेंगे, शायद उस टाइम पे मैं खुद भी वो मैं सेल्फिश थी शायद थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम कीर्ति से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और मेरे को खुद बाहर जाना था, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे कीर्ति को भी साथ लेके चलना चाहिए, तो मैंने कीर्ति को थोड़ा कोशिश की कि मैं उसे मनाऊं और करूं, क्योंकि वो तैयार नहीं थी उस टाइम पे नहीं, तो फिर मैंने कीर्ति को बोला कि तुम सोचो यार प्लीज, दो दिन तक लिटरली मैं उसके पीछे पड़ रही कि सोचो चले क्या चले क्या चले क्या, तो फिर कुछ सोचा विचार आया। दूसरा इसलिए बहुत मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मुझे ये था कि शायद मैं हमेशा चंडीगढ़ ही रहूंगी और मैं शायद वहां से कभी मूव आउट नहीं कर पाऊंगी, अगर मूव आउट करूंगी भी तो मैं घर पर वापस, मेरी घर वापसी होगी, तो ये नेहा की वजह से हो पाया। नेहा ने मुझे इतना मनाया कि नहीं कीर्ति दिल्ली चलते हैं, वहीं पर हमारा जो है काम है जो ज्यादा है और वहीं पर क्या क्या कहते हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर चलते हैं। और फिर नेहा ने मुझे बनाया फाइनली और फिर हम दोनों निकल पड़े और उसके बाद हम दोनों अलग भी हुए, काफी सिचुएशंस आई, लेकिन हाँ हम दोनों दिल से हमेशा कनेक्टेड रहे, ये बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। हाँ, और वही कनेक्शन है कि शायद चाहे कितने कितने टाइम तक हम बात नहीं भी करते हैं, बट स्टिल वो बॉन्डिंग है और वो कनेक्टिविटी है कि, और मुझे लगता है हम दोनों में से मैं थोड़ा जल्दी गुस्सा भी हो जाती हूँ कीर्ति, क्योंकि बहुत चिल पर्सन है तो उसको जल्दी से वो दिल पे बातें लेती है, छोटी छोटी बातें दिल पे ले लेती हूँ और बहुत बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, बहुत बहुत टाइम तक बात भी नहीं करती हूँ और फिर जब एक एक सिंगल कॉल में भी सब गुस्सा शांत हो जाता है। अच्छा एक बात और है कि वैसे कहने के लिए नेहा मेरी अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन एक ही अकेली ऐसी फ्रेंड है कि जिसके गुस्से से मैं डरती हूँ। मेरे से कोई भी गलती होती थी ना, तो जैसे होता है ना कि हम अपने पेरेंट्स से अपनी गलती को छुपाते हैं, मैं ऐसी अपनी गलतियों को छुपाती थी कि हाय नेहा को ना पता चल जाए, नेहा बहुत डांटेगी, नेहा बहुत डांटेगी। मैं प्रोटेक्ट भी स्कूल की तरह से करती भी थी, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको मैं चंडीगढ़ से लाई हूँ और दिल्ली में आई है तो उसको उस तरह से प्रोटेक्ट करना है। और जब भी हम, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी और 2019 में मेरी शादी हुई थी, तो उस टाइम पे मैं फेब में आई थिंक इसको छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि हम तब गुड़गांव थे, तो उससे मुझे ऐसा लगा मैं था हो गई थी। कि शायद मैं मतलब किसी ऐसे फैमिली के पर्सन को छोड़ के जा रही हूँ कि नहीं हो पा रहा था। बट उसके बाद फिर चीजें यू नो चेंजेस आने लगे लाइफ में और अब ऐसा है कि इन बिटवीन आपको एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आपकी आपको ऐसी इतनी सारी बातें करनी हो, वीडियो बनानी हो और उस बीच अपने बच्चे को आपको बिजी रखना हो तो आप ये कर सकते हैं। देखो सी जीवू बिजी है और जीवू अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि हमें बाहर लेकर के चलो, हम सारे बाहर चलते हैं, मुझे बाहर लेकर के चलो। जीवू भी आज मासी से पहली बार मिली है खैर, और वीडियो को तो हम खैर कंटिन्यू करेंगे, बट एक बार फिर मैं हर्ष आपको इनवाइट कर रही हूँ, अगली बार आपको आना है साथ में, ठीक है? बकायदा वीडियो पर इन्विटेशन, ताकि आप ये ना कहो कि आपने मेरे को पर्सनली नहीं बोला, मेरे को सबके सामने आपको बोलूं कि आपको आना है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, नेहा मिल करके दोबारा अब मिलते रहेंगे। हाँ ठीक है, अगर कीर्ति जाएगी तो वेल उसके बाद और भी बहुत सारे प्लानिंग है, क्योंकि अब शुरुआत होगी, एक बार बस मिलने का देरी थी, अब मिल चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट हम ये भी कर सकते हैं कि वैसे मैं अभी लोगों को इतनी जल्दी खोलना नहीं चाहती आइडिया, लेकिन नेक्स्ट हम किसी मार्केट जाएंगे मे बी और वहां पर जाकर के हम कुछ नया करेंगे, तो ये अभी मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगी, फिर आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। अभी आगे खाने वाने की तैयारी करते, फिर दोबारा से मिलते हैं आपसे, ठीक बाय बाय। अभी मेरा जाने का टाइम हुआ और मैडम जी फिर रसोई में चली गई हैं और खाना खिला रही हैं, मुझे याद आ रहा है वो पीजी वाला टाइम। और ये देखो ये पेल पेल के घी लगा रही है, जिस घी से मेरा पति भागता है। मेरा पति है नहीं इस ब्लॉग में, लेकिन उसकी याद बड़ी आ रही है, ठीक है? लेकिन मैं आपको भी और कीर्ति देखो भी एक चीज क्लियर कर दूं कि कभी भी घी जो है वो आपको मोटा नहीं करता है, ठीक है? हाँ, तो मतलब वो गुड फैट में आता है। हाँ, गुड फैट में आता है, तो इसलिए तू इससे देखो कोई सुनो पतिदेव सुनो, ये आपके लिए है। हर्ष पता है क्या, वो घी से नहीं भागता, वो उसको ये होता है कि दिखना नहीं चाहिए, बस ऊपर ना ज्यादा दिखना नहीं चाहिए। पालक पनीर और पराठे। चलो फिर अब डिनर टेबल पर आपको मिलते हैं, बाय बाय गाइस। सुकीर्ति फाइनली जब आपका मन ना और जबरदस्ती खाना पड़े तो कैसा लगता है? पहले तो मैंने मना किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है डाइट का, अभी वो हर्ष बताएंगे कि मैं कितना ज्यादा खाती हूँ। और दूसरी बात ये कि काफी मना करने के बाद भी नेहा ने कहा जबरदस्ती खाना है खाली पेट नहीं मैं जाने दूंगी, फिर मैंने कहा एक शर्त पे
प्लेट मैं अपने खुद लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ये काम नेहा को दे दिया होता तो नेहा ने भर भर के डालना था, तो मैंने बोला मैं जितना खाना चाहती हूँ बस मैं उतना ही खाऊंगी। और अभी मैंने फिर भी एक पराठा फालतू दे दिया इसको, दे ही दिया। और ये पालक पनीर बना है, और अभी मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसा बना है। हाँ प्लीज। और मुझे शक्ल से तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। पुराना स्वाद स्वाद यहाँ है, स्वाद यहाँ है कीर्ति, जल्दी से फिनिश कर दो। पुराना स्वाद बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। जीवू कह रही मेरा भी बहुत, मैं फटाफट फिनिश करती हूँ और फिर मैं जाती हूँ अपने घर पर, क्योंकि मेरे पति कर रहे हैं मेरा इंतजार। और तो एक अच्छी सी गेट टुगेदर के बाद अब हम जा रहे हैं घर वापस, और जीवू मुझे घर छोड़ने जा रही है। जीवू के डैडू, जीवू की मम्मी, जीवू की मासी, आप सारे मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। नेहा के सब्सक्राइबर इधर सब्सक्राइब करो, मेरे सब्सक्राइबर इधर सब्सक्राइब करो, ये। तो नेहा का यूट्यूब अकाउंट है नेहा वालिया को जाकर जरूर सब्सक्राइब करो। और इस पूरे व्लॉग में बताओ आपको क्या सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट लगा, और थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। और ऐसे जो और नए सब्सक्राइबर्स कीर्ति के साथ जुड़ेंगे, या जो और भी फ्रेंड्स हो जिनसे मिलने का टाइम वो नहीं निकाल पाते, सो प्लीज गाइस, लाइफ है ऐसी चलती रहेगी, ऐसे आप बिजी रहेंगे, अपनों के लिए और अपने दोस्तों के लिए टाइम जरूर निकालिए। बिल्कुल। और उससे हुआ क्या कि हमने पुरानी बातों को निकाला, खूब हंसे, मजा आया। और ये जो इतनी हैक्टिक लाइफ रहती है ना, उससे थोड़ा सा मुझे राहत मिली। चलो ठीक है, बाय 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 बाय। आलू वालू ले ले यार। अरे हाँ, फ्राइडे मार्केट लगी हुई है यहाँ पे, हर्ष ले रहा हूँ। पति हमेशा बोले देखो हर्ष ले रहा होगा कहीं पे, बस बेचारे हर्ष। चलो ये करिए, चलो बंद करो, बहुत हो गया। बाय बाय, लव यू कीर्ति, बाय बाय।